आज हम जानेंगे दोस्तों कि कैसे हम अपने दिल की बात अपने पार्टनर को बोलेंगे, यानी कैसे प्रोपोज करेंगे उसको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कैसे हम अपनी दिल की बात अपने पार्टनर तक पहुंचा सकते हैं। तो नंबर वन जो पॉइंट है दोस्तों, वो है खुद में कॉन्फिडेंस लाओ। कॉन्फिडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है दोस्तों। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप कभी साहस नहीं जुटा पाओगे अपने मन की बात को जाहिर करने में। इसलिए कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, ताकि आप जब भी आपने GF या BF के पास जाओगे प्रोपोज करने के लिए, तब आप अंदर से कंफर्टेबल फील कर सको। और सारा खेल जो है ना दोस्तों, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का ही है। मतलब सारा जो खेल है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पे ही टिकी है। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप कभी नहीं प्रोपोज कर सकते हो। इसलिए डरो मत, क्योंकि डर के आगे जीत है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या तो आप सिलेक्ट होंगे या फिर रिजेक्ट। कोई जान से तो नहीं मार देगा ना आपको। बस कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपने अंदर और अपने दिल की बात उससे बोल दो। क्योंकि अगर आप लेट करते हो तो हो सकता है कि कोई और बोल दे आपकी जगह पे वो बात। और सेकंड जो पॉइंट है वो है, लड़की हमेशा लड़कों से प्रपोज़ल एक्सपेक्ट करती है। ये 90% लड़कियाँ ही ऐसा है। 90 क्या, मैं तो बोलूँगी 100% लड़कियाँ ऐसे ही फील करती है कि लड़का आएगा मुझे प्रपोज करेगा। 90% लड़कियों का जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसा ही होता है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़का खुद आएगा चल के मुझे प्रपोज करेगा आके। पर अगर आप ये सोचते हो कि वो खुद ही बोलेगी तो भूल जाओ यार, क्योंकि बहुत कम ही लड़कियां प्रपोज करती है, ज़्यादातर लड़के ही प्रपोज करते हैं। तो खुद से जाओ, जाके अपने दिल की बात उसको बोलो। और आप अगर आगे से जाकर अपने लड़की के सामने अपने दिल की बात बोलते हो ना, तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी शो होती है इससे आपकी। लेकिन अगर आप शाई हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऐसे शर्मीले लड़कों को ना लड़कियां ज़्यादा भाव नहीं देती या फिर ज़्यादा पसंद नहीं करती है। ये सच है, वो आपको डरपोक समझ लेती है यार। तो डरो मत, करो, खुद से जाके बोलो उसको। और थर्ड जो पॉइंट है वो है, कैसे बोले दिल की बात। आप कैसे अपने दिल की बात अपने पार्टनर को बोलोगे, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे कंफर्टेबल हो। अगर आप फिल्मी स्टाइल में घुटने पर बैठकर प्रपोज करने में कंफर्टेबल हो तो वैसे बोलो, नहीं तो सिंपल तरीके से बोलो कि हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, हम आपको बहुत पसंद करते हैं और आपसे प्यार करते हैं, हमें पता नहीं आप क्या सोचते हो हमारे बारे में, पर हमको जो बोलना था हमने बोल दिया, आगे जैसा आपको ठीक लगे। तो ऐसे सिंपल वे में भी तो आप बोलोगे तो भी चलेगा यार, लेकिन बोलो तो एटलीस्ट यार, चुप मत रहो, खामोश मत रहो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सिलेक्टेड हो गए या रिजेक्टेड हो गए तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। ऐसे ऐसे खाली दिल के अंदर डर को जो पाल रहे हो, बोल नहीं रहे हो, अब सारी ज़िंदगी भर, सारी उम्र भर लड़की थोड़ी आपके लिए वेट करेगी। या फिर कोई और भी ऑप्शन मिल जाता है लड़कों, लड़कियों के पास ऑप्शन की कमी नहीं रहती आज के ज़माने में। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो यार, और आपकी सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए। तो जितना हो सके सपोर्ट करो, जितना हो सके लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो वीडियो को।